राजधानी भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी और महंगाई के कारण रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर बहनें मायूस न हों, इसलिए एक भाई की तरफ से अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाली बस्तियों में रक्षाबंधन का उपहार देकर बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाता आ रहा हूँ। मुझे इस क्षेत्र की बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों का आशीर्वाद और स्नेह हमेशा ही मिलता रहा है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार एक पवित्र त्यौहार है जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। कोरोना महामारी की वजह से लगातार 3 माह से लॉकडाउन हो रहा है जिस वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। त्यौहारों पर दुकानें बंद होने के कारण लोग खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। इसको देखते हुए मैंने 20,000 राखियों के साथ नारियल, रुमाल, रक्षाबंधन की सामग्री के पैकेट वितरित किए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना एक महामारी की बड़ी बीमारी है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये भी एक उसका मकसद है कि तमाम WHO तमाम बड़े से बड़े हमारे मेडिकल के जिम्मेदार ये कह चुके हैं कि हमें बहुत लंबे समय तक कोरोना के साथ जीवन बिताना है। तो जब ऐसी स्थिति बन रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर, उसी कोरोना के अंदर हमको त्यौहार भी मनाना है। अच्छे बुरे सारे हालात आए, उन सबको अब जनता को ही निपटना है। स्वयं प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं आत्मनिर्भर बन, तो निश्चित रूप से जब जनता को निपट रहा है तो मालिक भरोसे सब जी रहे हैं, और मालिक ने चाहा तो जल्दी से देश और दुनिया से वबा खत्म हो और हम लोग सामान्य जीवन में आए। राखी को देखते हुए मुझे मेरी विधानसभा में एक कष्ट था कि मेरी विधानसभा में मेरी बहनें परेशान हुई, मार्केट खोले नहीं गए, राखी मिल नहीं रही। तो मैंने निश्चय किया कि मैं अपने वॉलेंटियर्स को अभी यहाँ बुलाया है और मैं 20,000 करीब राखी के पैकेट, जिसमें नारियल भी है, रुमाल भी है, राखियाँ भी है, वो अपनी तरफ से अपनी विधानसभा में मेरे वॉलेंटियर्स घर घर जाकर देकर आएंगे, जिससे मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी विधानसभा की बहनें कम से कम राखी से वंचित न रहें और रक्षाबंधन का पर्व अच्छे से मनाएं। एक भाई का फर्ज निभाते हुए ये मेरी जिम्मेदारी है, जिसके लिए मैंने आपको दावत दी और ये राखियाँ मैं अपने वॉलेंटियर्स को देकर एक एक घर पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार नाकाम रही, आत्मनिर्भर बनो का नारा अच्छा दिया। निश्चित रूप से अभी हम जैसे भाई, हम जैसे बहुत सारे समाज सेवी जिंदा हैं, वो ये काम पूरा करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।